पीएम केयर्स फंड से कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में कुछ वेंटिलेटर्स आए थे। इनमें से दो वेंटिलेटर बाल रोग विभाग के आईसीयू में लगाए गए। अब डॉक्टरों ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि ये वेंटिलेटर खराब क्वालिटी के हैं। इस कारण एक नवजात बच्चे की मृत्यु भी हो गई थी। अस्पताल प्रशासन इन वेंटिलेटर्स को बदलने की मांग कर रहा है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में पीएम केयर्स फंड से करीब 26 वेंटिलेटर मिले थे। इनमें एक्वा कंपनी के वेंटिलेटर थे। बाल रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर यशवंत राव ने 6 जुलाई को एक चिट्ठी लिखी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को। इसमें उन्होंने दावा किया कि एक्वा कंपनी के वेंटिलेटर में खराबी है, ये चलते चलते बंद हो जाते हैं। चिट्ठी में उन्होंने दावा किया कि वेंटिलेटर के अचानक रुक जाने के कारण एक बच्चे की जान जा चुकी है। ऐसी स्थिति में इन वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। इसके बदले में दूसरे वेंटिलेटर मुहैया कराए जाएं। पीडियाट्रिक्स आईसीयू की प्रभारी डॉक्टर नेहा अग्रवाल ने इस बारे में विभाग के अध्यक्ष यशवंत राव को लेटर लिखा था। उसमें इन वेंटिलेटर्स की खराबी के बारे में जानकारी दी गई थी। बच्चे की मृत्यु का भी जिक्र था। इसी के आधार पर प्रोफेसर राव ने 6 जुलाई को प्राचार्य प्रोफेसर संजय काला को चिट्ठी लिखी और हालात से अवगत कराया। साथ में उन्होंने पीआईसीयू प्रभारी के पत्र को भी प्राचार्य को भेजा है। हालांकि बच्चे की मौत की वजह केवल वेंटिलेटर को ही नहीं बताया गया है, उसकी बीमारी भी एक वजह थी। हिंदुस्तान अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर राव ने दावा किया है कि पीएम केयर्स फंड से आए वेंटिलेटर को कॉलेज के विशेषज्ञ पहले ही अनुपयोगी बता चुके थे। इसी के बाद इनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 मई 2021 को दो आईसीयू के प्रभारियों ने प्राचार्य को वेंटिलेटर्स की गड़बड़ी के बारे में बताया था। कहा था कि वेंटिलेटर अचानक बंद हो जाते हैं और कंपनी के इंजीनियर सुन नहीं रहे हैं, इसलिए इनको ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ कम गंभीर मरीज हों। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय काला ने बताया कि पीएम केयर्स फंड से आए 26 वेंटिलेटर को इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। ये भी माना कि वेंटिलेटर कहीं और स्थापित करने के लिए विभाग के अध्यक्ष की चिट्ठी मिली है। हालांकि उन्होंने किसी बच्चे की मौत की सूचना से इनकार किया। अब देखना ये होगा कि अस्पताल इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है। क्या वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी इस मामले में अपनी सफाई देती है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब देश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत होने की बातें हो रही हैं। इस लहर में बच्चों की सेहत को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में वेंटिलेटर को लेकर इस तरह की गड़बड़ियां हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात कुछ ठीक नहीं है। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकलें जब कुछ ज़रूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अगर आपने अब तक वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो आप वैक्सीन भी ज़रूर लगवा लें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुक्रिया।